तो जैसा कि फ्रेंड आप देख सकते हैं, हमारे पास टोयोटा कंपनी की इनोवा क्रिस्टा गाड़ी आई है। तो फ्रेंड, इसमें प्रॉब्लम क्या है वो हम आपको बताएंगे। फ्रेंड, इसमें प्रॉब्लम ये है कि जब गाड़ी अपनी स्टार्ट करते हैं तो सेल्फ लेता है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होता है। तो सबसे पहले तो हम इसका एक बार आपको सेल्फ मार के दिखाते हैं। स्टार्ट कीजिए, देख सकते हैं फ्रेंड। बस 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 बस, ये देख सकते हैं गाड़ी का सेल्फ लेता है लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होता है। तो सबसे पहले तो फ्रेंड हम इसका स्कैनिंग करेंगे और स्कैनिंग करके चेक करेंगे कि इसमें फॉल्ट कोड क्या आता है, और उसके बाद फिर उस फॉल्ट कोड के हिसाब से हम काम करके आपको दिखाएंगे कि इसमें क्या फॉल्ट है और क्या प्रॉब्लम है। तो फ्रेंड, हमने इसका स्कैनिंग किया है, तो हमको स्कैनिंग में फॉल्ट नोजल का प्रॉब्लम बता रहा है। तो सबसे पहले तो हम इसको क्लियर करने के लिए, ये आप देख सकते हैं ये फिल्टर का होस है। तो फ्रेंड, क्या होता है अगर नोजल का प्रॉब्लम रहेगा ना, तो यहाँ से आप पेट्रोल सुंघाते हैं या आप WD-40 स्प्रे मारते हैं, कुछ भी मारते। देखिए, हम ले लिया है तो WD-40 मार कर हम इसमें चेक करेंगे। अगर WD-40 मारने से आपका गाड़ी स्टार्ट हो जाता है तो समझ लीजिए आपका नोजल का प्रॉब्लम है। तो हम सबसे पहले तो WD-40 मारेंगे, देख सकते हैं। हाँ, स्टार्ट कीजिए। का मतलब हमारा नोजल का ही प्रॉब्लम है। तो देख सकते हैं, हमने यहाँ पे WD-40 स्प्रे थोड़ा मारा था इसको चेक करने के लिए। ठीक है फ्रेंड, तो हम इसका नोजल ओपन करेंगे और नोजल ओपन करके और उसके बाद इसको चेक करेंगे कि नोजल में क्या प्रॉब्लम है कि हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। ठीक है फ्रेंड, तो हमने इसको क्लियर करने के लिए इधर WD-40 मार के चेक किया था। तो हमारा गाड़ी देख सकते हैं अभी स्टार्ट हो रही है। अब एक बार क्या होता है इसे बंद करने में, फिर दोबारा स्टार्ट नहीं होगी। देखिए, हम आपको दिखाते हैं, बंद कीजिए। ये देखिए, हमने गाड़ी बंद कीजिए, बंद कर दिया है। फिर एक बार स्टार्ट करके आपको दिखाते हैं, स्टार्ट कीजिए। ये देख सकते हैं, बस। ठीक है फ्रेंड, तो जब हम इसमें WD-40 मारते हैं तो गाड़ी स्टार्ट होती है, और नहीं मारेंगे तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होता है। एक बार चालू होने के बाद आप इसको कितना भी रनिंग करेंगे आपका गाड़ी बंद नहीं होगा, और जैसे आप बंद कर देंगे वैसे आपका गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा। क्योंकि इसमें क्या है, डीजल प्रेशर का जो जितना प्रेशर से आना चाहिए उतना प्रेशर से नोजल को नहीं मिल रहा है, इसके लिए गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है। ठीक है फ्रेंड, तो सबसे पहले हम इसका नोजल ओपन करेंगे और ओपन करके इसको मशीन में लगा के टेस्ट कराएंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, नोजल में प्रॉब्लम है कि नोजल बराबर स्प्रे नहीं कर पा रहा है। जो भी इशू रहेगा उसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम इसका नोजल ओपन करना चालू करेंगे, आपको दिखाएंगे। तो हम इसका नोजल ओपन करना चालू करें फ्रेंड, देख सकते हैं। सबसे पहला तो आपको ये जो कॉन पैनल का कवर आता है उसे बाहर निकालना पड़ेगा, और ये वाइफर का लिंकेज विंकेज मोटर पर भी ओपन करना पड़ेगा, और ये जो नीचे पतरा दिया है इसको भी आपको ओपन करना पड़ेगा। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है फ्रेंड, दो नोजल है बहुत अंदर दे दिया है, तो आपका नोजल ऊपर नहीं आएगा, एक कॉन पैनल के पतरे में टच होएगा। दो नोजल आपका देख सकते हैं सामने बाहर है, तो इसलिए हमको एक कॉल पैनल ओपन करना पड़ेगा नोजल ओपन करने के लिए। तो हम सबसे पहले कॉल पैनल जो है ओपन करेंगे और उसके बाद आपको नोजल ओपन करके। तो आप लोग देख सकते हैं इसका हमने वाईफाई लिंकेज भी निकाल दिया है, कॉल पैनल का पतरा भी बाहर खोल दिया है। हाँ, ले लीजिए, ये देख सकते हैं अब हमारा जो नोजल है वो पूरी तरह से ओपन हो चुका है। क्योंकि फ्रेंड क्या होता है, नोजल जब हम ऊपर लेंगे तो कॉल पैनल का जो पतरा है उसमें टच होएगा, पूरा बाहर नहीं आने देगा, इसके लिए हम इसका कॉल पैनल ओपन किए हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं एक नंबर का नोजल इधर है, सेकेंड नंबर का इधर है, थर्ड नंबर का ये है, फोर्थ नंबर का ये है। तो हम चारों नोजल ओपन करेंगे, आपको दिखाएंगे। सबसे पहले तो इसके नोजल का जो रिटर्न पाइप है वो चारों ओपन कीजिए। अंसारी, ये नोजल का चारों जो पाइप है उसे भी ओपन कीजिए। बेंजू वाइसर वो चारों पहले निकाल लीजिए, वो गिर जाएगा। हाँ, वो वाइसर को चारों निकालिए, चारों पाइप में से बस आप घुमा के निकाल लीजिए। बस नोजल का चारों पाइप ओपन कीजिए। सबसे पहले एक नोजल बाहर निकालिए, कंट्रोल मिला देखते हैं इसका। जो नोजल का सॉकेट है इसमें ज़्यादा कुछ टेंशन वाली बात नहीं, निकालने के लिए जो बटन दिया है ये पुश बटन, इसको दबाकर आप आसानी से इसको बाहर निकाल सकते हैं। बाकी कोई एक्स्ट्रा इसमें लॉक वॉक नहीं है। बाकी गाड़ियों में क्या रहता है, ऊपर से एक्स्ट्रा लॉक दिया रहता है, उसे ऊपर ऊपर करके फिर इसको दबाना पड़ता है। इसमें कुछ नहीं है, आप डायरेक्ट दबाकर इसका नोजल का जो सॉकेट है
इसको ऐसा आसानी से बाहर ले सकते हैं। तो इसी प्रकार हम बाकी चारों नोजल का सॉकेट निकालेंगे। सकते हैं फ्रेंड, इसके नोजल के ब्रैकेट में 12 का बोल्ट आता है, वो 12 का बोल्ट आप ओपन करेंगे तो ब्रैकेट के साथ आपका नोजल बाहर आ जाएगा। तो हम आपको निकाल के दिखाते हैं, ये इसके बोल्ट है फ्रेंड नोजल के, निकालिए। तो देख सकते हैं फ्रेंड, ये हमारा एक नंबर का नोजल हमने ओपन कर दिया है। अब इसी प्रकार से हम बाकी तीनों जो नोजल है बाहर निकालेंगे। और इसे सबसे पहले तो मार्किंग कर लेंगे कि एक नंबर का, दो नंबर का, तीन नंबर का, चार नंबर का, ठीक है। तो ये हमारा एक नंबर का नोजल है। इसी प्रकार हम चारों नोजल बाहर निकाल के फिर आपको दिखाते हैं, ठीक है। एक 100 ब्लेड लाइए इसको मार्क करने के लिए। अंसारी जी, दो नंबर का भी निकालिए। बाहर लीजिए, मिराज पकड़ो, ये लाइन से रखो। तीन नंबर का निकालिए, दीजिए दीजिए मेरा को दीजिए। लास्ट चार नंबर का निकालिए। देख सकते हैं ये हमारा चारों नोजल है, ठीक है। एक नंबर, दो नंबर, थ्री नंबर, फोर नंबर, ठीक है, 1 2 3 4, ये चारों नोजल हमने ओपन कर दिया है। अब इसको हम मशीन पे भिजवाएंगे, जिधर नोजल टेस्टिंग होता है वहाँ नोजल टेस्टिंग करा के और उसका चेक करेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, नोजल सर्विस करने से हो जाएगा या इसमें कुछ मिसिंग है या नोजल रिप्लेस करना पड़ेगा, जो भी है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इस गाड़ी का हमने नोजल खोल के पंप वाले को दिया था, तो हमें वहाँ से रिस्पॉन्स आया था कि आपका चारों नोजल ख़राब हो चुका है। तो हमने इसका चारों नोजल नया अरेंज किया है, देख सकते हैं ये नया नोजल है। तो हम इसमें चारों नोजल नया रिप्लेस करने वाले हैं, ये देख सकते हैं हमारा चारों नोजल नया है। तो हम इस नोजल को आपको फिट करेंगे, फिट करके दिखाएंगे कि जो हमारा गाड़ी में प्रॉब्लम था स्टार्टिंग का वो सॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ है। ये देख सकते हैं एक नंबर, दो नंबर, थ्री नंबर, फोर नंबर, ये चारों नोजल हमने नया अरेंज किया है। तो हम इसको फिट करेंगे गाड़ी में और आपको फिट करके दिखाएंगे। हमारे अंसारी जी है अभी फ़िलहाल चाय पी रहे हैं, चाय पीने के बाद फिर इसका फिटिंग करना चालू करेंगे, फिर हम आपको फिटिंग करके दिखाते हैं। ये हमारा फ्रेंड इनोवा क्रिस्टा का है, ये देख सकते हैं हमारी इनोवा क्रिस्टा, ठीक है। तो अब हम इस गाड़ी में फिट करेंगे और फिट करके फिर आपको दिखाते हैं कि हमारा जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ है। तो फिलहाल फ्रेंड हम अब इसका नोजल फिटिंग करना चालू कर रहे हैं। ये देख सकते हैं ये नोजल के ऊपर ये रिंग का वाइसर है फ्रेंड, तो ये आपको लगाना ज़रूरी है। ये क्यों दिया जाता है कि इधर से आपका कंप्रेसर लीक ना हो, ये चारों में ऐसे ही देता है। ये दो नंबर का है, तीन नंबर का है, ये लास्ट का देखिए चार नंबर का है। तो ये आप पहले ये रिंग लगा लीजिएगा और रिंग लगाने के बाद फिर ऊपर से आपका नोजल बैठेगा। तो हम आपको नोजल भी लगा के दिखाते हैं। एक नंबर का नोजल उठाइए, इधर लाइए, हल्का सा ग्रीस लेके आइए, ग्रीस का डब्बा लेके आइए। और एक फ्रेंड एक बात है, ये देख सकते हैं हम इसका नोजल नया लगा रहे हैं, क्योंकि हमारा नोजल पूरी तरह से ख़राब था। तो इसके लिए हम इसका चारों नोजल रिप्लेस कर रहे हैं। और एक फ्रेंड एक बात है, आप नया भले नोजल रिप्लेस कीजिए या मत कीजिए, या आप समझिए नोजल का सर्विस करवा रहे हैं, कुछ भी करवा रहे हैं, तो ये करने के बाद आप कभी भी नोजल फिट करेंगे तो ये इसका वाइसर है नोजल का, ये नोजल का इसे वाइसर कहते हैं, ये कभी भी नया चेंज कर दीजिएगा, ठीक है। इसमें नया ही लगाइएगा, जूने वाइसर को मत लगाइएगा। जूने वाइसर लगाने से क्या होगा, आपका यहाँ से कंप्रेसर लीक होने लगेगा, तो आपका गाड़ी मिसिंग भी करेगा, फायरिंग में भी फ़र्क आएगा, बहुत सारी चीज़ें इस वाइसर की वजह से प्रॉब्लम आएगा। तो आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है कि आप कभी भी नोजल आप नया लगाते हैं या उसको सर्विस करके लगाते हैं तो इसका नोजल का जो वाइसर है वो नया ही लगाइएगा, जूने को मत लगाइएगा, ठीक है। थोड़ा सा ग्रीस लगाइए, एकदम थोड़ा सा ग्रीस, बस बस बस। एक फ्रेंड हम ग्रीस क्यों लगा रहे हैं कि नोजल डालते समय हमारा वाइसर जो है वो गिरे ना, ठीक है। थोड़ा सा हम ग्रीस लगाएंगे चारों नोजल में, इसी तरह लगा लगा कर हम चारों नोजल को फिट करेंगे, ठीक है। एक नंबर का हमारा नोजल है जिसे हम फिट कर रहे हैं, ये हमारा एक नंबर का नोजल है जिसे हम फिट करने जा रहे हैं। इसका ब्रैकेट ले लीजिए, ब्रैकेट और बोल दीजिए नोजल का। तो ये हमारा एक नंबर का नोजल बैठ चुका है, अब हम इसका बोल्ट लगाएंगे।
12 नंबर का बोल्ट है फ्रेंड, 2 नंबर का नोजल दीजिए, 2 फ्रेंड। तो अब इसी प्रकार से हम बाकी नोजल भी फिटिंग करना चालू करेंगे। हमने 1 नंबर का 2 नंबर का नोजल बिठा दिया है, अब इसी तरह से बाकी हम दो और फिट। तो हमने इसका फाइनल नोजल पूरा फिट कर दिया है, अब इसके नीजल नोजल के ऊपर जो रिटर्न पाइप आता है वो फिटिंग करना बाकी है, तो हम आपको फिटिंग करके दिखाएंगे। देख सकते हैं चारों नोजल हमने फिट कर दिया है, इसका जो पाइप आता है वो भी फिट कर दिया है, सिर्फ रिटर्न पाइप फिट करना बाकी है। फ्रेंड इसके रिटर्न पाइप में भी बेंजू वाइसर आता है, वो वाइसर आप लगा कर इसे लगाइएगा, नहीं तो आपको वहाँ से नोजल लीक, नोजल से अपना डीजल लीक करेगा अगर उसका बेंजू वाइसर नहीं लगाएंगे तो उस बात को ध्यान दीजिएगा। तो अब हम इसे फाइनल टाइट करके और फिर इसका नोजल का एयर निकालते हैं, फिर गाड़ी आपको स्टार्ट करके दिखाते हैं। ठीक है फ्रेंड, पहले तो हम चारों पाइप से इसका नोजल से एयर निकालेंगे, ये चारों पाइप से, और उसके बाद फिर गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, फिर हम देखते हैं हमारा जो स्टार्टिंग का प्रॉब्लम था वो सॉल्व होता है कि नहीं। फ्रेंड हम इसका डीजल फिल्टर भी रिप्लेस करने वाले हैं, क्योंकि हमारा नोजल जो था वो हमने नया चारों चेंज किया है, हमारे नोजल में कचरा आने की वजह से हमारा चारों नोजल ख़राब हो गया था, तो इसके वजह से हम इसका डीजल फिल्टर भी ओपन करके एक बार चेक करेंगे कि हमारा डीजल फिल्टर कैसा है, उसमें कचरा आएगी क्या है। ज़्यादा कचरा रहेगा तो हम डीजल फिल्टर भी रिप्लेस करेंगे। देखिए इसका डीजल फिल्टर हमने बाहर ओपन किया है, ये देख सकते फ्रेंड ये इसका डीजल फिल्टर है नया। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसका डीजल फिल्टर ओपन करेंगे, उसको चेक करेंगे कि हमारा डीजल फिल्टर का कंडीशन क्या है, ज़्यादा ख़राब रहेगा तो हम डीजल फिल्टर भी इसका रिप्लेस करेंगे। सर ये पूरा फिट हो गया? जी जी पूरा फिट हो गया। सारे दोबारा चेक कर लिए ना? हाँ हाँ, सारी कपलर लगा दिए, सब पाइप लगा दिया, रिटर्न पाइप भी लगा दिया। तो स्टार्ट कर सकते हैं गाड़ी को डीजल फिल्टर चेंज करके? डीजल फिल्टर रिप्लेस करने का ना? ठीक है, आ जाइए, डीजल फिल्टर इसका रिप्लेस कर देते हैं। तो फाइनली आप देख सकते हैं हम इसका डीजल फिल्टर ओपन कर रहे हैं, ओपन कीजिए, इसे निकालिए। तो देख सकते हैं फ्रेंड ये हमारा डीजल फिल्टर का कंडीशन है, उतना भी ख़राब नहीं है फ्रेंड, लेकिन फिर भी हम इसका डीजल फिल्टर रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि 50-60% तक ये चॉकअप हो चुका है और 40% के लिए काहे के लिए रिक्स लेंगे। ये देख सकते हैं अंदर पूरा मेटल भरा हुआ है, कचरा भी है अंदर डीजल फिल्टर के अंदर। ये देखिए सिल्वर सिल्वर टाइप जो चमक रहा है, ये सब नोजल के मेटल है फ्रेंड। तो इसके लिए हम इसका डीजल फिल्टर भी रिप्लेस कर देंगे। सबसे पहले तो इसको पूरी तरह से वॉश करके क्लीन करेंगे, इसको वॉश करके क्लीन कीजिए डीजल फिल्टर के बॉडी को, लेके जाइए। तो फाइनली देख सकते हैं हमने इसको पानी मारकर हवा मारकर पूरा क्लीन कर लिया है। ठीक है, तो अब इसमें हम नया डीजल फिल्टर फिटिंग करेंगे। ठीक है, नया डीजल फिल्टर अभी देख सकते हैं, ये इसका जूना डीजल फिल्टर है, ये नया डीजल फिल्टर है, तो हम अब इसमें नया डीजल फिल्टर फिट करेंगे। इसका रिंग दीजिए, इसका रिंग फ्रेंड कंपलसरी रिप्लेस करना ज़रूरी है। जब आप डीजल फिल्टर रिप्लेस करेंगे तब इसका रिंग भी रिप्लेस करना पड़ेगा आपको, नहीं तो आपका वहाँ से डीजल लीक होएगा। और ये रिंग रिप्लेस करने के बाद थोड़ा सा इस पर इंजन ऑयल लगा लीजिएगा। तो फ्रेंड देख सकते हैं हमने इसका डीजल फिल्टर रिप्लेस कर दिया है, और फाइनली हम इसको टाइट कर रहे हैं। पकड़िए इसको, टाइट कर दीजिए, इसको टाइट करके फिर गाड़ी में हम फिट करेंगे, इसका एयर निकालेंगे, फिर गाड़ी को स्टार्ट करके देखेंगे कि हमारा गाड़ी स्टार्ट होता है कि नहीं होता है। तो फ्रेंड हम इसका डीजल फिल्टर फिटिंग करने जा रहे हैं, तो डीजल फिल्टर फिटिंग करके फिर एयर निकाल कर फिर हम नोजल से एयर निकालेंगे और उसके बाद गाड़ी स्टार्ट करके चेक करेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो हम इसका डीजल फिल्टर बिठा कर देखते हैं। तो फ्रेंड हम इसका डीजल फिल्टर फिट कर रहे हैं, अब हम एयर निकाल के दिखाते हैं, पीछे का क्लिप लगाइए। पंप कीजिए, पंप करके पहले एयर निकाल लीजिए।
पहले डीजल फिल्टर को भर लीजिए पंप करके आराम से। तो देख सकते हैं फ्रेंड, ये हम इसका एयर निकाल रहे हैं, ये देख सकते हैं एकदम क्लियर डीजल आ रहा है, ठीक है। तो अब हम इसका पाइप लगाएं, ठीक है, इसका पाइप लगा दीजिए, बस हो गया। तो ये हमारा डीजल फिल्टर का एयर निकल गया है, अब हम नोजल का एयर निकालेंगे और फिर गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। क्लिप चढ़ा दीजिए। सोलह सत्रह का फिक्स बना लीजिए। गाड़ी का बैटरी वायर लगाइए, इसका हमने बैटरी वायर ओपन किया था, इसका बैटरी वायर लगाइए। ठीक है फ्रेंड, तो इसका बैटरी वायर हम टाइट करके फिर नोजल से एयर निकाल के फिर आपको गाड़ी स्टार्ट करके। हाँ, स्टार्ट कीजिए। देख सकते हैं फ्रेंड, ये हमारी गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। बस बंद करके चालू कीजिए। तो देख सकते हैं हमारी गाड़ी हाफ सेट में चालू हो रही है। देख सकते हैं ये हमारी गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। तो अभी हम इसका एक देखेंगे नंबर और इसका जो भी कॉल पैनल का कवर खोला था वाइपर का, उसको पूरी तरह से फिट कर देंगे, ठीक है। हमारा जो स्टार्टिंग का प्रॉब्लम था फ्रेंड सॉल्व हो चुका है, जैसे कि आपके सामने है। ये हमारी गाड़ी स्टार्ट है, इसका फायरिंग और साउंड भी सुन सकते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड, ये गाड़ी हमारी स्टार्ट हो चुकी है। तो हमने नोजल से एयर निकाला था, नोजल के पाइप से तेजा डीजल डीजल गिरा था, इसके लिए हमने पानी से इसको वाश करके और हवा मार कर पूरा क्लीन कर लेंगे, ताकि कस्टमर को ये ना लगे कि वहाँ से डीजल लीक हो रहा करके। हमने इसको क्लीन करके हवा मार कर क्लीन कर दिया, देख लीजिए जगह को पूरा साफ कर दिया है। फ्रेंड तो देख सकते हैं हमने इसको हवा हवा मार कर पूरी तरह से एकदम क्लीन कर लिया है। देख सकते हैं हमारा नोजल का जो जगह है पूरी तरह से सूखा हुआ है, ठीक है। हमने इसलिए हवा पानी मार कर इसे क्लीन कर दिया, क्योंकि अगर ऐसे ही हम देते कस्टमर को क्या लगता था कि यहाँ से डीजल लीकेज हो रहा है रिटर्न पाइप से या नोजल के पाइप से, तो उनको मन में डाउट आता था। इसके लिए हमने पूरा हवा पानी से इसे क्लीन कर दिया है। अब इसका हमने जो कॉल पैनल का पतरा और कवर खोला है वाइपर ओवर का, वो सब हम फिट कर देंगे और गाड़ी को फाइनल कर देंगे। तो हम आपको ये कॉल पैनल का पतरा वतरा लगा फाइनल करके फिर से एक बार स्टार्ट करके आपको दिखाते हैं। चलिए गाड़ी अंदर ले लीजिए, कॉल पैनल का पत्र वत्र लीजिए और लगा देंगे, बन गया।
तो देख सकते हैं आप लोग, इसका कॉल पैनल का जो पत्रा आता है उसे फिटिंग कर रहे हैं। ये कॉल पैनल का पत्रा लगाने के बाद हम वाईफाई का लिंकेज और मोटर लगाएंगे, फिर इसके ऊपर का कवर लगाएंगे, फिर दोनों वाईफाई का आर्म लगा के गाड़ी को कंप्लीट कर देंगे। तो ये देख सकते हैं, ये हमारा वाईफाई का नीचे का कवर, जो पत्रे का आता है पत्रा और कॉल पैनल कवर सब लग चुका है। सिर्फ वाईफाई का आर्म टाइट कर रहे, देख सकते हैं वाईफाई का जो आर्म आता है उसका नट टाइट करना बाकी है। दोनों साइड का हमने दोनों वाईफाई आर्म लगा दिया है, बस इतना टाइट करेंगे। टाइट करके फिर एक बार स्टार्ट करके फिर चेक करेंगे हमारी गाड़ी को। ठीक है सर, एक बार गाड़ी चालू कीजिए, बाहर से ही चालू कीजिए। सीट कवर जरा इनका वाइट है, गंदा ना होएगा तो कस्टमर जी का कंप्लेन आएगा। न्यूट्रल चेक कर लीजिए पहले। हाँ स्टार्ट कीजिए, देख सकते हैं गाइस लोग, ये हमारी गाड़ी हाफ सेल्फ में स्टार्ट हो रही है। पहले हम आपको बताया था कि गाड़ी स्टार्ट नहीं होती थी, एयर फिल्टर के हॉस में जब हम पेट्रोल या WD-40 मारते थे तब जाके गाड़ी स्टार्ट होती थी। और एक बार स्टार्ट होने के बाद कितना भी आप रनिंग कीजिए बंद नहीं होता था, जैसे ही हम बंद करते थे फिर स्टार्ट करते थे फिर स्टार्ट नहीं होती थी। फिर बंद करके चालू कीजिए, ऐसे देख सकते तुरंत बंद करके तुरंत हम चालू कर रहे हैं, फिर चालू हो रही है। चालू कीजिए, देख सकते हैं तो ये हमारा गाड़ी बिल्कुल एकदम प्रॉपर तरीके से ओके हो चुका है। फ्रेंड हमने इसमें चारों जो नोजल आता है वो रिप्लेस किया, देख सकते हैं चारों नोजल हमारा नया है, एक नंबर का, दो नंबर का, तीन नंबर का, चार नंबर का। ठीक है फ्रेंड, तो चारों नोजल हमने रिप्लेस किया था क्योंकि नोजल इसका बनने लायक नहीं था, पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था, चारों नोजल में मेटल भर चुका था, तो इसके लिए हमने इसका नोजल रिप्लेस किया। मेरा जी बंद कीजिए, तो फ्रेंड आज आपका हमारा ये टोयोटा इनोवा क्रिस्टा गाड़ी का नोजल रिप्लेस का वीडियो था। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।